ठीक है यहाँ पे आ गए भाई, खड़ा है हावियर वहां पे खड़ा है। ए देख यहाँ पे फोन पे बता रहा है वो कोऑर्डिनेशन। ए भाई ए गद्दार। What's up guys, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल पे। मेरा नाम है मिथिलेश और आज हम खेलने वाले हैं तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं GTA 5 की गेम प्ले सीरीज और आज का होगा गेम प्ले नंबर 11। आज का गेम प्ले शुरू करने से पहले पिछले गेम प्ले की थोड़ी झलक देख लेते हैं। तो पिछले गेम प्ले में हमने देखा कि माइकल, फ्रैंकलिन और ट्रेवर तीनों मिलकर डेविन के पास जाते हैं और डेविन उन्हें एक काम बताता है कि उन्हें दो सुपर कार चुरानी है। लेकिन उसमें कैच ये होता है कि दोनों सुपर कार वालों को कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही रईस बाप के बिगड़े हुए औलादे हैं। अगर उनको कुछ हो गया तो हमारे पीछे बहुत बड़ा टेंशन पड़ जाएगा। भाई तीनों मिलकर एक बहुत बढ़िया प्लान बनाते हैं जिसमें पहला पार्ट ऐसा होता है कि फ्रैंकलिन उनके पास जाके उनको रेस के लिए उकसाता है। फिर जब वो रेसिंग करते हैं तो वो बहुत ही तेज गाड़ी चलाते हैं। उतने में माइकल और ट्रेवर अपना फेस टू शुरू कर देते हैं। माइकल और ट्रेवर दोनों पुलिस की यूनिफॉर्म पहन कर तीनों का पीछा करते हैं और उन तीनों को स्पीडिंग के लिए पुल ओवर कर देते हैं। माइकल और ट्रेवर दोनों के गाड़ी के पास जाते हैं और दोनों को बाहर उठा के फेंक देते हैं और उनकी गाड़ी में खुद बैठ के भाग जाते हैं। फिर वो तीनों डेविन के गैराज पे जाते हैं जहां वो दो सुपर कार डेविन के हवाले कर देते हैं। लेकिन डेविन उनके साथ धोखा करता है और कहता है कि पूरे गाड़ी का कंसाइनमेंट मिलने तक उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। तो गुस्सा होकर ट्रेवर और फ्रैंकलिन वहां से निकल जाते हैं और माइकल भी उनसे बात करके वहां से निकल जाता है। अगर आपको एक गेम प्ले देखना है तो वीडियो एंड स्क्रीन पे लग जाएगी। GTA 5 के साथ साथ हमारे स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस की और एक गेम प्ले सीरीज शुरू है। अगर आपको स्पाइडरमैन गेम प्ले में इंटरेस्ट है तो प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन पे लग जाएगी। तो लेजी गेमिंग सेटअप पूरा रेडी है, मैं भी रेडी हूँ, आप भी रेडी है, तो चलिए प्लेन को हवा से गिराते हैं। तो अभी हम बने हुए हैं माइकल और हमें ट्रेवर का कॉल आया था और ट्रेवर अपने कॉल पे रो रहा था। भाई ये गाड़ी का दरवाज़ा कौन खुला छोड़ दिया यार मेरे, मैंने नई सुपर कार खरीदी अभी डेविन के लिए, हमने वो कार चुराई थी तो मेरा दिल आ गया था उस पर, लेकिन वो गाड़ियाँ बहुत महंगी थी तो हमने एक सस्ती हुई। अरे साला आते बराबर ठोक दिया गाड़ी को। ठीक है तो मैं बोल रहा था कि ड्राइवर का हमें कॉल आया था और वो रो रहा था कि उसको घर पे अकेले बोर हो रहा है, उसके पास कुछ काम धंधा नहीं है और ऊपर से पैसा भी नहीं है क्योंकि डेविन ने हमें वो दो गाड़ी चुराने के पैसे भी नहीं दिए। तो मैंने उसको बोला कि भाई तू, मैं तेरे को एक लोकेशन भेजता हूँ, वहाँ पर तू मुझे मिल, एक बंदा है अपना मार्टिन नाम का, तो उसके पास हमारे लिए कुछ काम हो सकता है। तो मार्टिन तो वैसे एकदम लेजिटिमेट बिजनेसमैन है, पूरा उसका वाइट का धंधा है, लेकिन वो अपने ड्रग कार्टेल फैमिली का हेड भी है। मतलब उसका एक एस्पेक्ट है पूरा लीगल, दूसरा तो एकदम महा इलीगल, और वो हमारा पुराना दोस्त भी है। और कुछ दिन पहले उसने कॉल किया था कि भाई थोड़ी ज़रूरत है तेरी, तो अभी उसी से मिलने हम जा रहे हैं। तो हम ट्रेवर को भी लेके जाएंगे कि भाई मतलब काम भी हो जाए और दोनों को पैसा भी मिल जाए। तो चलो सीधा मार्टिन के पास जाते हैं। भाई वेदर बहुत ही एकदम डस्की डस्की हो रखा है यहाँ पे, आगे का कुछ दिख नहीं रहा है, तो दिल्ली वाला सीन हो गया पूरा। ठीक है यहाँ से टर्न है कि नहीं है? हाँ है रे भाई, टर्न नहीं थी, खाई थी, लेकिन ठीक है, गाड़ी ठीक है, हम भी ठीक है। भाई रास्ते पे कुछ दिख ही नहीं रहा यार, ऐसे लगता है दिल्ली का पूरा पोल्यूशन आ गया यहाँ पे लॉस सैंटोस में। ठीक है तो हम उसके मार्टिन के घर के पास पहुँच ही गए। मेरे को डर ये भी है कि अपने साथ ट्रेवर है और मार्टिन वैसे तो अपना अच्छा दोस्त है लेकिन इंसान खतरनाक है वो, तो ये कुछ काड़ियाँ ना करते और हमारा मतलब गर्दन ना अटक जाए वहाँ पे। ठीक है ला फ्योंटे ब्लांका उसके घर का नाम, इटालियन है वो, तो इटालियन ड्रग कार्टेल का हेड है। ठीक है तो यहाँ पे आ ही गए, चलो यहाँ पे अंदर चलते हैं, ट्रेवर भी आता ही होगा यहाँ पे। ठीक है ट्रेवर भी आ गया, भाई वो अपनी लाल परी लेके आया है। What is this? It's a thing. You said you wanted work. This is work. ठीक है तो इसको अभी मार्टिन को मिलाएंगे हम लोग। Yes. ये है मार्टिन की बीवी, इसका नाम मुझे पता नहीं है। भाई ट्रेवर उस पर लाइन मार रहा है, हो गया ये हाथ पैर कटवा के जाएगा यार, इटालियन लोग बहुत खतरनाक टॉर्चर कर देते हैं। राइट दिस वे जेंटलमैन, पिज्जा में टोमेटो सॉस डाल के खिला देते हैं। ठीक है तो इससे बात कर लेते हैं हम क्या मिशन है और डायरेक्ट कंटिन्यू करते हैं। तो मैं पूरा सिनेमैटिक स्किप कर दूंगा क्योंकि इससे हमें मतलब नहीं है, आपको स्टोरी में समझा दूंगा।
ठीक है, तो एक बढ़िया सा जॉब मिल गया है। भाई मेरी गाड़ी कहाँ है? अच्छा वहाँ पे, मुझे लगा मेरी गाड़ी ले गया कोई। भाई मेरी गाड़ी का दरवाजा खुला ही क्यों रहता है यार? ठीक है, तो एक बढ़िया सा जॉब मिला है और लकीली वो टू मैन जॉब है, मतलब दो लोग तो लगेंगे उसके लिए, तो अपने ट्रेवर भाई का भी भला हो जाएगा। तो बात ऐसी है कि मार्टिन का एक कजिन है हैवियर, अब इनका पूरा ये फैमिली बिजनेस है ट्रक का, तो हैवियर भी उसी बिजनेस में था, हैवियर विद अ जे, तो वो भी उसी बिजनेस में था। तो अभी उसने इसके साथ बगावत कर दी, मार्टिन के खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट्स है कुछ तो भी है, तो अभी हैवियर की पेशी होने वाली है कोर्ट में और वो मार्टिन के खिलाफ सब कुछ बताने वाला है। अब मार्टिन को ये उसके सीक्रेट सूत्रों से मालूम पड़ा है, तो उसने हमें बोला है कि हैवियर को कुछ भी करके रोकना है, नहीं तो उसका द एंड हो जाएगा। और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात यह है कि वो लोग हैवियर और उसके जो अकम्प्लिस है वो लोग प्लेन में जाने वाले हैं, तो अभी उनका प्लेन हवे में है, तो उसको मतलब कुछ ऑप्शन नहीं है हमारे पास रोकने का। अब वो यहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट पे उतरेगा, एयरपोर्ट पे पुलिस की अथॉरिटी रहेगी, वो डायरेक्ट सब कुछ हाथ में ले लेगी। तो हमने प्लान किया है कि यहाँ पे पास ही में एक ऑब्जर्वेटरी है, और मार्टिन ने हमें बहुत ही बढ़िया वाले इक्विपमेंट्स दे दिए हैं हाथ में, और हम प्लान कर रहे हैं कि एरोप्लेन को हवे में ही फोड़ देंगे, और वो कहीं पे तो भी गिर जाएगा, तो फिर अपना ट्रेवर वहाँ पे जाएगा, पैकेज उठा लेगा, अगर कोई जिंदा बच गया तो उसको मार देगा, और वो पैकेज हम मार्टिन को दे देंगे, तो हमें अपना पैसा मिल जाएगा और मार्टिन की बम बच जाएगी। तो ऐसा तो प्लान है, तो अभी देखते हैं ये प्लान कैसे जाता है। मार्टिन बोल रहा है कि उसने वो जो गैजेट्स है हमारे स्नाइपर, स्पेशलाइज वाला स्नाइपर है जो मैंने भी अब तक नहीं देखा, उसने वो ऑब्जर्वेटरी के पास छुपा के रखा है, तो जल्दी वहाँ पे जाते हैं और ले लेते हैं। ठीक है, उबड़ खाबड़ रास्ता है, अरे भाई बहुत ही उबड़ खाबड़ है। वैसे गाड़ी बहुत ही बढ़िया है, सुपर कार होना यार लाइफ में। ठीक है, हम ऑब्जर्वेटरी के पास ही पहुंच गए हैं। ठीक है, यहीं पे है, यहीं पे है, यहीं पे है। ठीक है, All right, I see the van with the gun in it. You nearby? Not far out. ठीक है, यहाँ पे वैन है उसकी वाली। भाई ये दरवाजा क्यों नहीं बंद करता है यार ये? छोड़ो, माइकल की गाड़ी है, कौन ही चुरा लेगा। तो चलो डायरेक्ट अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या क्या इक्विपमेंट्स है। बहुत बढ़िया, हम पूरा इक्विपमेंट की जांच ले रहे हैं। भाई ये राइफल है, अरे खतरनाक ऐसा लग रहा है, राइफल के ऊपर सैमसंग S21 अल्ट्रा लग गया हमने। ठीक है, वो जेट है हमें और उसके इंजन पे एम लगाना है, लेकिन हवे के हिसाब से ये जो रेड बॉक्स है इसके ऊपर एम, अरे परफेक्ट, एकदम शॉट लग गया। नहीं ठीक है, दूसरी गोली भी मार दी, और एक गोली मारनी पड़ेगी, पूरा ट्रेन का कबाड़ा हो जाएगा। तो नहीं, मिस हो गया, मिस हो गया। भाई अभी परफेक्ट, एकदम जबरदस्त शॉट लग गया। भाई जब प्लेन अपने तरफ आ रहा था तो वो थोड़ा इजी था, लेकिन जब वो साइड में जा रहा था तो वो रेड बॉक्स बहुत जल्दी हिल रहा था। ओके, अभी हम अपना भाई ड्राइवर बन चुके हैं और हमें प्लेन के पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, प्लेन का इंजन तो चला गया है लेकिन वो पूरे तरह से डिसमेंबर नहीं हुआ है, तो अभी भी लाइक थोड़ा उड़ते रहेगा प्लेन, तो उसके पीछे पीछे जाएंगे, जहाँ पे भी वो गिर जाएगा वहाँ से सीधा उसको डॉक्यूमेंट ले लेंगे। बहुत सही भाई, क्या गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, बहुत बढ़िया।
अरे ये प्लेन अब तक उड़ रहा है यार, मतलब इतना इमेजिन नहीं किया था। अरे 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 भाई, रास्ते बेकार है यहाँ के, लेकिन ठीक है, ड्राइवर भी अपना है, स्किल्ड राइडर। बहुत बढ़िया, ऊपर ही है, उसके अंदर वो अपना गद्दार भी बैठा है। हाँ यार, नो 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 नो, अरे भाई बच गए, ठीक है बच गए। ओके हाँ ठीक है, पलट रहा है प्लेन, पलट रहा है, ठीक है ठीक है। अपना मतलब प्लेन को कुछ भी हो, अपना विन विन है। अगर प्लेन पूरे तरह तबाह हो गया तो उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स और हावियर भी गायब हो जाएगा, और अगर बच गए तो हम उसको गोली से उड़ा देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पास में ही हम प्लेन के पास में है बिल्कुल। गोली मारू क्या उसको? अरे भाई ये तो उंगली दिखा रहा है, पिस्तौल है हमारे पास, गोली गोली से क्या ही हो जाएगा उसको। ठीक है, उतर ही रहा है वो आगे, उतर मतलब क्रैश हो रहा है ऑब्वियसली। चलो जल्दी चलते हैं यहाँ पे। भाई भाई ट्रेन 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 ट्रेन, अरे खतरनाक जंप, बहुत बढ़िया, किसने बनाया वहाँ पे पहाड़, बहुत महापुरुष है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एरिया किसी एरिया के अंदर घुस गए। ओह शिट, ठीक है ठीक है ठीक है, रास्ता मिल गया रास्ता मिल गया। भाई ये प्लेन गिर क्यों नहीं रहा यार, इतना क्या ही अच्छा पायलट है उसका। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है, होप करते हैं कि अभी यहाँ पे पटक लेगा। ठीक है, पानी के अंदर से बढ़िया लेके चलते हैं गाड़ी। ओके 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 ओके, अरे पेड़ में लटक गए थे हम। ठीक है भाई, ये प्लेन गिरने का नाम नहीं ले रहा यार, इससे तो अटैक ही नहीं करते, इतना तो वैसे नॉर्मल भी उड़ लेता था वो। ये कैक्टस के पेड़ तोड़ दिए। ठीक है, यही पे है आसपास। ओ, 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 क्रैश हो गया क्रैश हो गया क्रैश हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ गए भाई, खड़ा है हावियर वहाँ पे खड़ा है। ए देख, यहाँ पे फोन पे बता रहा है वो कोऑर्डिनेशन। ए भाई ए गद्दार, ये ले सर पे गोली, ए दूसरे गद्दार तू भी ले सर पे गोली। चल मरा क्या? हाँ मर गया। चलो अंदर जाके पेपर ढूंढ लेते हैं, पायलट की लंका लग गई पूरी। ठीक है, ब्रीफ केस में पेपर है उसके, निकाल लिया, बढ़िया। कौन कॉल कर रहा है भाई अभी हमें? ठीक है, माइकल भाई है। माइकल पूछ रहा है कैसे गया मिशन? बहुत बढ़िया गया मिशन। ठीक है, अभी ये बोल रहा है कि मार्टिन के घर पे लेके जाता हूँ पेपर्स। ठीक है, लेके चलो पेपर्स। अच्छा नाक साफ कर लेते पहले, वो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अभी हम बन गए हैं माइकल, माइकल ही बने ना? हाँ माइकल बन गए। तो ट्रेवर वो पेपर्स लेके मार्टिन के घर जा रहा है, हम भी ये गाड़ी लेके मार्टिन के घर जाते हैं, और वहाँ पे उसको पूरा उसका कच्चा चिट्ठा दे देंगे और हम अपने पैसे ले लेंगे। यहाँ पे वैन डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर पूरे हमारे इक्विपमेंट्स एंड ऑल है भाई। हम तो स्टिकी बॉम्ब से करेंगे, यहाँ पे एक लगा देते हैं, यहाँ पे एक लगा देते हैं, यहाँ पे भी एक लगा देंगे नीचे, और आगे भी एक, आगे से लगाएंगे एक। ठीक है, इस
इसने हमें देख लिया, गया। अब हमें किसी ने नहीं देखा। चलो तो इसी की गाड़ी, इसी बंदे की गाड़ी चुरा लेते हैं और यहाँ से हम मार्टिन के घर चलते हैं। लेकिन उससे पहले जिस वैन पे बॉम्ब लगाए थे उसको खत्म, कुछ नहीं बचा वैन का। चलो सीधा मार्टिन के घर चलते हैं। अरे भाई गाड़ी बढ़िया है इसकी, जो भी है ठीक है, ड्राइविंग बेकार है, गाड़ी अच्छी। ठीक है तो चलते हैं डायरेक्ट मार्टिन के घर पे, ट्रेवर हमसे पहले पहुंच जाएगा क्योंकि ट्रेवर के घर के बहुत ही पास है। ट्रेवर का कॉल आ रहा है, लगता है पहुंच गया। अरे भाई ये ट्रेवर फिर से कचरा कर रहा है क्या यार भाई। ट्रेवर ने हमें सीमेंट फैक्ट्री में बुलाया, उसने बोला कि थोड़ा चेंज ऑफ प्लान है, अब वहां जाके देखते हैं सीमेंट फैक्ट्री में कि क्या इशू हो रहा है। अभी मार्टिन के घर पे गया या कि नहीं गया ये भी नहीं मालूम, बात ही नहीं किया बंदे ने। भाई मार्टिन थोड़ा डेंजर इंसान है, आई होप इसने कुछ कबाड़ा ना किया हो। चलो जल्दी चलते हैं सीमेंट फैक्ट्री पे और देखते हैं ट्रेवर ने क्या कबाड़ा किया इस बार। भाई ये बंदा ऐसे करेगा तो इसको कौन ही काम देगा यार बाद में। चलो 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 चलो, टर्न मारना है भाई। परफेक्ट, ठीक है अभी यहाँ से पास ही में है सीमेंट फैक्ट्री, जल्दी चलते हैं और उसका इश्यू सॉर्ट कर देते हैं। अरे अभी कोई रेसिंग लगाओ भाई इस गाड़ी से, क्या भाग रही है गाड़ी। बेचारा बंदा मर गया जिसकी गाड़ी है ये, लेकिन बढ़िया सी गाड़ी हमें मिल गई। वो क्या भागती है गाड़ी ये, रे रे टर्न किस होगी रे, इतना भी बढ़िया नहीं भगाना। ठीक है ये है अपनी सीमेंट फैक्ट्री और यहीं पे हमें आना था। ठीक है ड्राइवर आसपास नहीं है तो हम ये ड्रम पे बैठ जाएंगे और उसका वेट करेंगे। सीमेंट फैक्ट्री तो अच्छी है वैसे। भाई ड्राइवर है क्या भाई, मार्टिन की गाड़ी क्यों लेके आया। नहीं 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 इसने कुछ कांड कर दिया भाई, पक्के में कुछ कांड कर दिया। मार्टिन की गाड़ी कैसे लाएगा ये। नहीं, मार्टिन की गाड़ी लाया भाई ये। अरे भाई ट्रेवर ने उसको बोला कि थोड़ा ज्यादा पैसा चाहिए और उसने शायद से मना कर दिया। क्या मार दिया क्या इसने उसको। नहीं प्लीज मार मत। अरे ठीक है मारा नहीं है, थैंक गॉड मारा नहीं है उसने। ठीक है शॉर्ट हो। अरे भाई उसकी बीवी उठा के लाया ये बंदा, कांड कर दिया। ये तो दुश्मन अपने कम तो है नहीं, अभी मार्टिन भी अपने लिस्ट पे ऐड हो गया। भाई टेढ़ा है ये ट्रेवर। नहीं नहीं इशू बहुत भारी इशू कर गया इसने। अभी इसी के साथ जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब ट्रेवर ने कांड किया मतलब माइकल के नाम से, क्योंकि माइकल ने इनको इंट्रोड्यूस कराया था। अरे भाई इशू कर दिया बहुत भारी उसने। चलो अपना मिशन तो पास हो गया लेकिन अपन ने उल्टे से पंगे ले लिए, कोई बात नहीं आगे जाके देखेंगे अभी क्या होता है। तो चले बाकी का कंटिन्यू करेंगे अगले गेम में। तो ये था आज का गेम प्ले। प्लेन को हवा से गिरा दिया, हावियर को मार दिया, पैकेज भी रिट्रीव कर दिया, लेकिन एक बहुत बड़ा इशू हो गया। ड्राइवर ने मार्टिन के घर पे जाके झगड़ा कर दिया और उसको बीवी को उठा के लेके आया। अब देखते हैं आगे कितना बड़ा इशू होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऐसे ही अमेजिंग गेम प्ले देखने के लिए देखते रहिए।